प्रॉब्लम होगी यार, मतलब भाई जब भी मैं मतलब रूम पे ही जा रहा था होटल रूम पे, तो सामने मेरे को क्या दिखा, पहले तो ये देख लो आप पूरा, ठीक है। और इधर है सामने यहाँ पर। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम ट्रेवल करने वाले हैं 1295-2 जो कि दिल्ली से मुंबई तक जाती है, जिसका नाम है तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि रोजाना 4:55 से दिल्ली से रवाना होती है और मुंबई के लिए निकल जाती है, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 बार पहले भी ट्रैवल किया है, ये मेरा 3rd time है, 3री बार मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एक मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था पूरी राजधानी, मतलब जो तेजस राजधानी है वो शॉर्ट व्लॉग था, मतलब उतना ज़्यादा डीप में मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में हम अच्छे से देखने वाले हैं पूरी तेजस राजधानी को। तो हमारी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लग चुकी है, तो अभी हम ट्रेन के अंदर चलते हैं और फिर सब चीज़ें देखते हैं, और एक बार मैं आपको बाहर से एक जो ट्रेन है उसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये हमारी पूरी तेजस राजधानी एक्सप्रेस है, तो मेरे कोच का नाम है B9, तो अभी हम B9 की ओर चलते हैं, मैं काफ़ी आगे आ गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी है और इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहती है और इसकी सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो सर्विस आप बाद में देखोगे अंदर किस तरीके से रहती है सब कुछ। तो अभी चलते हैं अपने कोच में और उधर ही बैठते हैं। भाई आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, अभी तक गेट ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कब गेट खुलेगा, कब हम अंदर जाएंगे, ठीक है। वैसे पैर दुखने लगे मेरे खड़े खड़े ऐसे ही, तो जैसे खुलता है अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई और कितना ज़्यादा टाइम लगता है। फाइनली हमारा गेट ओपन हो चुका है और हमारा कोच है B9, तो अभी हम कोच के अंदर जा रहे हैं। मेरा सीट है 58, तो अंदर चलते हैं सीट देखते हैं। तो गाइस फाइनली मेरी सीट मुझे मिल गई और बाहर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, मेरा पैर भी दुखने लगा, ठीक है। तो अभी हम अपनी सीट पे आ चुके हैं और आगे चलते हैं, सभी ये देखते हैं। और ये मेरा पूरा कोच है, इधर यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो अभी हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अभी आप ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये आखिरी पॉइंट आ गया अभी इसका। तो अभी जो राजधानी तेजस राजधानी एक्सप्रेस है वो एकदम से स्टार्ट होने वाली है, मतलब थोड़ी देर बाद में इसकी रफ्तार बढ़ने वाली है। जब ये चलने लगेगी तो तब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से हमने एग्जिट ले लिया है रेलवे स्टेशन से, तो चलिए आगे। अभी हमें ट्रेन के अंदर बैठे हुए आधा घंटा ही हुआ है, तो मेरे लिए यहाँ पर खाने के लिए आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा। यहाँ पर ये मीठा भी है, फ्रूटी है और नमकीन वगैरह है और चाय सामग्री है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो पहले यार भूख लग रही थी, सही टाइम पर बंदा लेके आ गया, मज़ा आ गया। तो अभी इनको खाते हैं और अभी आप देख सकते हो, तो हमारी ट्रेन है इतनी रफ्तार से चल रही है, तेजी से जा रही है। तो गाइस भैया खाना लेके आ चुके हैं, रात का डिनर, तो अभी हम लेते हैं और भूख भी ज़्यादा लगी है, खाते हैं फिर। ये आ गया हमारा डिनर। डिनर में हमें यहाँ पर दाल एंड पनीर, रोटी, चावल, दही, ये सब चीज़ें मिली है। लिटरली मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को ना ट्रेन में गरम रोटी देखने के लिए मिली, भाई लिटरली गरम रोटी एकदम। और सभी पे QR कोड था ये आप देख सकते हो इधर। तो मतलब डिनर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो अभी खाते हैं उसको, देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो गाइस काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हमने ट्रेन में गुजारने के बाद, हम एक रेलवे स्टेशन पर रुके हैं, मतलब ये स्टॉप आए यहाँ पे कोटा जंक्शन, ठीक है। स्टूडेंट लोग जानते होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 10 मिनट के लिए ट्रेन ने स्टॉप लिया है, तो उसके बाद में आगे जाना है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा मतलब देखने के लिए थोड़ा सा उतर गया भाई नीचे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा उतर के मैं अंदर ही चला जाता हूँ, बाहर ही बैठता हूँ। एक बार आप पूरा देख लीजिए, ये पूरा कोटा जंक्शन। तो भाई सुबह हो चुकी है, रात बीत चुकी है, एक स्टेशन दो स्टेशन तीन चार कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो अभी हम उठ चुके हैं, हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, अभी मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ, फिर खाने के बाद में एक बार बाहर चलते हैं, फिर वहाँ पे देख के आते हैं, ठीक है। और अभी हम महाराष्ट्र में घुस चुके हैं, महाराष्ट्र में घुस चुके हैं। और हाँ भाई, रात को मेरा ना फ़ोन डाउन हो गया था, तो यहाँ पे चार्जिंग के न्यू रूल आए,
तेजस में, तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार वो रूल आप जरूर देख लीजिए। सुरक्षा हेतु मोबाइल चार्जिंग सप्लाई रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगी, तो इस रूल को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में हमारे लिए यहाँ पे फ्रूटी एंड कटलेट, ये है सैंडविच, तो ये अभी मैं ओपन करता हूँ और इसको खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, फिर एक बार बाहर चलते हैं, सारा व्यू देखते हैं नीचे उतर के, अभी मैं ऊपर हूँ, ठीक है। मुंबई में आ चुका है, मतलब बोरीवली एरिया है ये पूरा इधर, तो यहाँ पे ट्रेन रुकी है कुछ टाइम के लिए, तो अभी आगे जाते हैं, फिर वही थोड़ी देर में मुंबई सेंट्रल आने वाला है। आप देख ही सकते हो भाई, मुंबई में मुंबई देखने को मिल ही गया, ठीक है। मतलब यार मुंबई में बहुत लंबे लंबे टावर है, बहुत लंबे लंबे बिल्डिंग है, इधर तो कुछ भी नहीं, अगर ना भी मुंबई साइड जाओगे तो बहुत जबरदस्त है। मरीन ड्राइव का भी तो भाई एकदम उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो उधर भी चलेंगे देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले मुंबई सेंट्रल, अभी हम आ चुके हैं मुंबई सेंट्रल, और ये मुंबई सेंट्रल पूरा रेलवे स्टेशन है, हमारी तेजस राजधानी यहाँ पे खड़ी हो गई आके। अभी हम बाहर चलते हैं, पूरा एक बार मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन को देख लेता हूँ। यहाँ पर आप मुंबई सेंट्रल का बोर्ड भी देख सकते हो इधर, और ये पीछे पूरी बिल्डिंग वगैरह है। तो अभी हमारी ट्रेन के सभी लोग आ रहे हैं नीचे उतर के, तो अभी हम चलते हैं बाहर और बाहर मिलते हैं आपसे। तो इस तरीके का कुछ व्यू है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का, तो ये आप पूरा देख सकते हो इधर, तो इधर आप पूरा देख सकते हो। हाँ, आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन से, तो थोड़ी दूर पर मेरा होटल है, तो अभी हम उधर चलते हैं। तो ये यहाँ पे फुटपाथ है, चलने के लिए एरिया बनाया गया पूरा, और इधर ये लंबी लंबी बिल्डिंग आपको दिख ही रही है। तो अभी आगे चलते हैं, रूम में जाते हैं, आराम से थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर कहीं निकलते हैं घूमने के लिए, ठीक है। ये पूरा इधर सिनेमा हॉल मूवी है, तो चलते हैं यार, अभी थक भी चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं मतलब रूम पे ही जा रहा था, होटल के रूम पे, तो सामने मेरे को क्या दिखा, पहले तो ये देख लो आप पूरा, ठीक है। और इधर है सामने, यहाँ पर इधर की साइड है, यहाँ पर ये अंबानी हाउस है, अभी आपको दिखेगा, तो ये यहाँ पे अंबानी हाउस है। और भाई मुंबई की एक बात सबसे निराली तो यही है भाई, यहाँ पे बारिश आराम से हो जाती है, छोटी छोटी, मतलब वही बुहा होती है ना एक बौछार, वो बारिश की अभी आने लगी है, और मौसम एकदम मस्त हो रहा है भाई, लिटरली एकदम गजब मौसम हो रहा है। तो चलिए यार अभी आगे चलते हैं। प्रॉब्लम होगी यार, मतलब होटल रूम है जो 12 बजे के बाद में मिलेगी, क्योंकि सभी रूम फुल हैं, और मैं यहाँ पे 10 बजे आ गया, तो मैंने क्या किया, होटल में गया, मैं लैगेज वगैरह वहीं पे रखा, और फिर मैं बाहर आ गया। अभी मैं जा रहा हूँ मरीन ड्राइव, तब तक 12 बज जाएंगे, 2 घंटा मरीन ड्राइव पे बैठेंगे आराम से, और फिर आके आराम से होटल में रेस्ट करेंगे और फिर घूमने चलेंगे फिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई, तो अभी मैंने ऊबर बाइक बुक कर ली है, तो अभी उसी के द्वारा हम मरीन ड्राइव चलते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है।
अभी हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव। ये पूरा आप मरीन ड्राइव इधर देख सकते हो भाई, क्या भाई सुकून मिलता है ना इधर आने के बाद में, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो अभी मैं आपको पूरा मरीन ड्राइव का व्यू दिखाता हूँ। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप वगैरह भी नहीं है और भाई वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया है समुद्र का भी। तो अभी आप देख सकते हो पूरा किस तरीके से समुद्र का पानी आ रहा है ऊपर, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है भाई इधर से। ये पूरा इधर पूरे सामने नाम में कोई आदमी पता नहीं, ये पूरा इधर आप देख सकते हो सामने अंबानी आउट है इधर आप देख सकते हो सामने, ठीक है। ये पूरा व्यू मरीन ड्राइव से घूम के आ गया। तो इडली वडा खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं, तो अभी इडली वडा खाते हैं, वडा खाते हैं, इडली खाते जो भी, तो फिर आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, फिर होटल में चलते हैं, व्लॉग खत्म करते हैं। चुका है वडा और चटनी वगैरह है, ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो अभी इसको खाते हैं, इसका टेस्ट देखते हैं। वडा है ना ये गाइस, अभी मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। मतलब यार बहुत ही ज़्यादा इधर इधर घूम के फाइनली मुझे मतलब मेरा रूम मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा रूम है, अभी मैं आके मतलब आके फ्रेश हुआ, पहले तो यार बहुत ज़्यादा मतलब थक चुका था पहले तो, ठीक है। वो फ्रेश व्रेश होने के बाद में अभी सोचा यार वो लोग क्या एंडिंग कर लेते हैं यार, वरना भूल जाऊंगा मैं। तो ये मेरा कुछ रूम है, एक बार मैं आपको पूरा दिखा, बड़ा प्यारा रूम है, ठीक है। और पूरा यही है बस रूम और क्या, और ये मैं हूँ, और ये लाइक का बटन है, इसको दबा दो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये रूम है इधर, ये पूरा वॉश रूम वगैरह इधर, ठीक है। और ये देखने के लिए ओके, ठंडक के लिए, और व्यू भाई कुछ नहीं है इधर, व्यू वगैरह कुछ नहीं है, ओके। तो ये मेरा पूरा रूम है, और ठीक है गाइज, तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो बाय 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 बाय।